हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। यहाँ पे देखो आज लड़ रहा दिन का गेम, और ये सारी पतंगे धूप लगाने के लिए। इसमें थोड़ी बहुत देखो वो लग गई थी फंगस, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। एक बार पतंग को आप धूप लगाओगे पतंग में, देखो एकदम वो आए चमक। पतंग देखो ये लंबे फरमे की कौन सी है, चील काट, और वो भी गार्ड डार है ना यली। अच्छा वो नॉर्मल है, गार्ड डार भी थी वो भी खत्म हो गई है। मिक्स हैं सारी पतंगें, लोकली पतंगे हैं। देखो और भी अभी दिखाएंगे आपको मटेरियल, मतलब बरेली की है, आर के बरेली, मतलब बरेली की लोकल पतंग है ना, बाहर की भी रखी है। अभी रुको अभी दिखाते हैं, पहले ये देख लो, ये रहा मैदान। और धूप बहुत तेज है भाई, आज हवा चल रही पुरवाई एकदम, मुंह के ऊपर ही धूप पड़ेगी। और एक खिलाड़ी चलेगी हमारा आगे लड़ाने, बाकी भाई खींच रहे अपनी पतंग। ये देखो एक मिनट रुको, अभी दिखा रहा हूँ, चलो पतंगे देखते हैं कौन कौन सी कुछ हो रही है। तो हमने दिखा दी, ये तो सब बरेली की थी, आर के बरेली की। अब ये दिखाते हैं आपको बाहर की पतंगे। ये तो दानिश की थी, ये बंटी, बंटी मुरादाबाद, बंटी मुरादाबाद। ये निकाल के दिखाओ बाहर, ये देखो चौक, बढ़िया पतंग खटीमा पेपर पे एकदम आईना। धूप लगा दो पतंग को, पतंग वैसे आईना हो जाती है। और दिखाते हैं नीचे तक, नीचे कौन सी है, ये बंटी की है, ये भी सब बंटी की रखी। देखो ज़्यादातर बाहर की पतंगें लड़ रही हैं, इधर आ जाता हूँ, बंटी की है ये सब बंटी। जो दूसरे वाले बैग में अपने नरेश और इसकी भी दिखा देते हैं, बाकी मांझे आप देख लो कौन सा मांझा आई है। ये देखो ये खोलो, जरा खोल के दिखाते हैं, बाकी पतंग देखते हैं कुछ उड़ गई। भाई हवा आ गई बहुत तेज, नरेश अभी रुको एक मिनट, चरका बहुत शानदार लगा देखो। और मांझे कलर भी एकदम डार्क ग्रीन, बारिश ले पूरा जा रहा है, रफ्तार का मांझा भाई। ये तो ये मांझा रहा, पकड़ो बाकी पतंगे दिखाओ। यहाँ ये रही पतंगे किसकी है, ये तो बंटी की रही हुई है। और नीचे दिखाते हैं नरेश की, ये देखो नरेश की, नरेश की ओरिजिनल। यहाँ पे स्टैंप होती है, इसके पूरे चौक रखे नीचे, देखो तैयार पतंगे, अभी लड़ाने के लिए तैयार करी थी। ये देखते जाओ नरेश की पतंगे ना ओरिजिनल में, ये किनारे की होगी स्टैंप। बंटी 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 भाई बहुत फेवरेट है बंटी लगता है। ये देखो आप आर एम बरेली, आर एम बरेली की है, जो साथ लगा रहे ना, पानी नहीं आ गया इधर पे। ये देखो कितनी पुरानी पतंग है, ये दीप कुमार की, दीप कुमार भाई लखनऊ पतंग, लखनऊ की पतंग है, बहुत भारी होती है। निकोनिक काइट, ये देखो ये रही स्टैंप। और दिखाते हैं ये पता नहीं बाबू छोटा उस्ताद, पता नहीं कहाँ की। खैर पतंगें काफ़ी हो गई, अब आपको दिखाते हैं कुछ एक्शन वगैरह। एक भाई अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं, ला देखो ऊपर से पहला ही पेज है अभी गेम का, और अपोनेंट टीम थोड़ी पहले पहुंच गई थी, तो वो देखो नीचे का हाथ लिया है। हो गया सही, हो गया हो गया हो गया सही, हो गया पेज हो गया सही। बहुत ज़्यादा नीचे करके लड़ा रहा है वो भाई, बढ़ रहा है उसके हाथ की तरफ, गाय मुंह की तरफ निकले, खिंचाई करी, आ रहा है गया सिरा हाथ पे। कैसे कटेगी, क्या कर दिया उनने, खिंचाई का पेज था, दोनों ने खींचा, उसकी थोड़ी ज़्यादा तेज खींच दी उनने, यारा पेज कट गया। कोई नहीं, पहला पेज कटा, अभी पूरा गेम बाकी है, शाम तक दिखाते हैं आपको एक्शन। यहाँ पे जब इन भाई का पेज चल रहा ऊपर से, यार धूप इतनी तेज पड़ रही है एकदम आँखों में, दिख रही है पतंग, पतंग काली दिख रही है, पुरवाई में चल रही है। सही कर लो, तो देखो पेज हो गया सही, जब भी पेज लड़ता ना मैदान से पहले सही करता ऊपर नीचे वाला, उसके बाद दोनों तैयारी लेते। ओ चुटकियों में फंसाया, लगते ही फंसा दिया है, देखते हैं क्या होगा। आ रह गई ये भी, तो इन भाई का ये पेच कट गई, आज लगातार दो पतंगे कट गई स्टार्टिंग की। कोई नहीं, क्या रह गया भाई, कैसे कट गई, डबल बनाए थी, डबल तुम बना रहे थे, बना रहा था लेकिन वो खींच के ले गया पूरी है बाहर की, तुमने रोक ली, अरे उनने रोक ली, कोई नहीं अगली काटना। अब भाई हवा इतनी अच्छी चली ना आज कि पतंगों का जो शौक हो रहा है वो तीन तीन पतंगों का शौक हो रहा है, और लेकिन धूप इतनी तेज है उसके बाद भी तीन तीन पतंगे लड़ रही। देखो
सारे जितने आपको मेंबर देखेंगे ना इस वाली टीम के, सारे बंदे पतंग उड़ा रहे हैं। हालांकि आज पतंगे कटनी काफी इन लोग की, लेकिन कोई नहीं, शाम होने बहुत टाइम भाई, अभी बहुत पेड़ लड़ेंगे। देखो ये कौन सा मंजा उड़ रहा है, इनका देख लो, जगह ही नहीं दे रहा खिलाड़ी, एकदम पतंग ऊंची करके लड़ा रहा है, गद्दा मारने की बिल्कुल जगह नहीं। और भाई अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं, कौन सी ये पतंग दिखा दो, किस कारीगर की है, कारीगर तो पता नहीं कौन है, लेकिन ये घुटाई देखो आप कितनी बढ़िया घुटाई, साइनिंग कितनी अच्छी कर रही है पतंग, साइनिंग देखो एक बार पतंग में। अब थोड़ी जगह मिली है, खेल दिया खेल दिया, पूरा जगह मिली, देखते हैं काटेंगे काटेंगे बहुत दूर, और पतंग कट गई यहाँ पे ये वाली भी। तो भाई इतनी दूर तक खींचा लेकिन बंदे ने पतंग काट दी फंसा के, क्या झटकट के मार दी अंदर के, उसकी पतंग भारी थी, अपनी पतंग हल्की रह गई। जब भी लंबा पेड़ लड़ेगा ना आपकी पतंग भारी होनी चाहिए, हल्की रह जाएगी तो फिर ऐसा ही होगा, जगह नहीं थी बिल्कुल पतंग खींचने की। तो अभी देखो शाम हो चुकी है, मतलब एक घंटे का गेम हो रहा है, आधे एक घंटे का, सामने सूरज डूब रहा है और पतंगे देखो आसमान में चार चार पतंगे लगी हैं। और शाम होते होते ना हवा थोड़ी सी डाउन हो गई है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि चाहे मैं छत से पतंगबाजी करूँ या फिर कहीं से भी करूँ, शाम होते होते पुरवाई डाउन हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे पतंगे तो आगे काफ़ी लगी हैं, लेकिन जो हवा है ना वो दम तोड़ रही है हल्के हल्के। और देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये लोग जो काइट फाइटर होते हैं ये पतंग का ठड्डा क्यों छील देते हैं। तो जब जब पतंग भारी होती है ना, अगर आप ठड्डा छील दोगे तो पतंग में लोच आ जाएगा और बहुत आराम से खिंचाई होगी। तो यहाँ पे देखो इन भाई का पेज चल रहा ऊपर से, और धूप इतनी तेज आ रही है आगे से कि पतंग ही नहीं दिख रही है। बाकी एक्शन दिखाते हैं अभी आपको, खिंचाई देखना भी आप, खिंचाई देखो अभी आप, खेचाई की रुक में पेच फंसा और कट गई पतंग। तो यहाँ पे देखो ये वाला पेज भी इनका कट गया है, खैर कोई नहीं, हम भी अपनी वीडियो को एंड करेंगे भाई, बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ पे, और वीडियो को एंड करते हैं। आपको कैसी लगी वाली वीडियो कमेंट करके बताना, हालांकि यहाँ पे एक और पतंग पार हो गई लड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।